हाई गुड इवनिंग टू ऑल माई व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई कैसा चल रहा है आप सबका वीकडे? मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है एंड हियर आई एम टू गिव यू ऑल द क्रिकेट अपडेट्स एंड ऑल द क्रिकेट न्यूज। तो भाई आज तो एक मैच था पाकिस्तान वुमेन वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन। तो न्यूजीलैंड वुमेन हार गई है वो मैच, दे टुक इट टू द सुपर ओवर। सो सुपर ओवर देखा हमने, 251 दोनों साइड्स ने 251 एंड 50 ओवर्स बनाए, बट जो पाकिस्तान वुमेन थी दे able to defend their 11 runs, hence super over में पाकिस्तान women जीत गई। तो बिस्मा मारूफ जो थी उन्हें player of the match दिया गया है। बहुत ही exciting match था, New Zealand almost chase कर गई थी, उन्होंने एक 6 भी मार दिया था, they were chasing 11, I mean उन्होंने 11 बनाए थे, so they had to make 12 to win, so they hit a 6 and then उनके दोनों players जो थे वो out हो गए, so ultimately New Zealand women have lost एंड जो हमारी पाकिस्तानी वुमेन है दे हैव वन। तो भाई वुमेन, एशियन वुमेन धमाका कर रही है हर जगह। बांग्लादेश वुमेन जीत रही है, इंडियन वुमेन जीत रही है एंड नाउ द पाकिस्तानी वुमेन हैव ऑल्सो वन। तो मैनी कंग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तानी वुमेन, टू आर पाकिस्तानी फैंस। कल जो है मेन्स टीम ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तो भाई उसका थोड़ा सा जो बाम है वो जो हमारी पाकिस्तानी वुमन है उन्होंने लगा दिया। सो बहुत कंग्रेचुलेशंस हैं पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी फैंस को। तो भाई ज़्यादातर यही मैच है जो चल रहा है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड, जो सेकेंड टेस्ट मैच होने वाला है मेलबर्न में, वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। प्लेइंग 11 नहीं है, वो स्क्वाड है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस स्क्वाड में लांस मॉरिस हैं, उनको रिलीज कर दिया गया है। He is going to play the BBL. So the revised squad, I'm going to read it out to you. Pat Cummins is the captain. Scott Boland hai, Alex Carey, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Usman Khawaja, Labuschagne, Nathan Lyon, Mitchell Marsh, Smith, Stark एंड वॉर्नर। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट दैट लांस मॉरिस को हटा दिया गया है, ट्रिम कर दिया है स्क्वाड को, एंड ये जो स्क्वाड है वो खेलेगा हमारा मेलबर्न वाला टेस्ट पाकिस्तान के साथ। सो इससे पहले एक टूर मैच है वो मेलबर्न में अग्री कर दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, वो 21st-22nd से खेला जाएगा। आई थिंक 22nd से खेला जाएगा, 2 डे प्रैक्टिस मैच होगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट ने रिक्वेस्ट की है तो उनकी वो रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी गई है। सो मोहम्मद हफीज का इंटरव्यू में काफ़ी चर्चा में है अभी, क्योंकि उन्होंने बोला है दैट वी हैव द स्क्वाड टू विन दिस टेस्ट सीरीज और द टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई किस तरीके से आपको अपना स्क्वाड इस ये अनबिलीवेबल फीट यू नो अचीव करते हुए दिख रहा है हफीज साहब, वो हमें भी समझाइए, बिकॉज हमें आपके स्क्वाड में इतना दमखम तो लग नहीं रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाएगी। सो हफीज साहब झूठी उम्मीदें ना दीजिए आप अपने फैंस को और अपने क्रिकेट लवर्स को। आप थोड़ा ट्राई करिए पहले, यू नो एटलीस्ट ट्राई टू ड्रॉ द मैच, दैट शुड बी योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। विनिंग तो बहुत दूर है, एटलीस्ट इतनी बुरी तरह आप हारिए मत, ताकि आपके फैंस और आपके क्रिकेट लवर्स, आपके क्रिकेट एनालिस्ट, जर्नलिस्ट सब लोग इतना दुखी बैठे हैं दैट यू नो इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। सो दैट इज रियली रियली टेरिबल। बाबर आजम की काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, कल हमने अपने लाइव शो में काफ़ी डिस्कस किया था, लोग काफ़ी उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, बिकॉज यू नो ही इज वन ऑफ देयर टॉप बैटर्स एंड ही इज सपोज टू बी परफॉर्मिंग वेल, एंड जिस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 21 एंड सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ 14 रन्स बनाए हैं, सो पीपल आर नॉट टू हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस एंड उनकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, एंड विच इज राइटली सो एज वेल। सो पाकिस्तान विल हैव टू मेक सम चेंजेस, दे हैव टू गेट यू नो स्पेशलिस्ट स्पिनर इन देयर स्क्वाड, अबरार को वापस लाए, वो साजिद करके एक रिप्लेसमेंट स्पिनर भी गया था, उसको भी टेस्ट स्क्वाड में इंक्लूड करने की कोशिश करें, तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ, एंड मे बी यू नो हसन अली कैन कम बैक समवे, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज खुरम शहजाद एंड आमिर जमाल प्लेड रियली रियली वेल, तो आप शाहिन शाह अफरीदी को तो ड्रॉप करके नहीं लाएंगे एक फास्ट बॉलर, तो आई डोंट नो हसन अली कैसे फिट होते हैं, बट एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर को फिट करना चाहिए, एंड सलमान अली आगा के जगह मुझे लग रहा है दैट यू शुड गेट इन अबरार, वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अबरार का इस टीम में आना। सो दैट इज इट फॉर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे
जैसे जैसे मैचेस आएंगे उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो है कल आईपीएल का ऑक्शन है, तो आज जियो सिनेमा ने आईपीएल का एक मॉक ऑक्शन किया था, उसमें यू नो काफ़ी लोग बिड कर रहे थे, काफ़ी बिग पर्सनालिटीज़ बैठे थे, जाहिर खान थे, पार्थिव पटेल थे, आकाश चोपड़ा थे, एंड काफ़ी कुछ वहाँ यू नो चल रहा था टीम्स के हिसाब से। तो कुछ कुछ इंडिकेशंस आई हैं कि कौन टीम्स कौन से प्लेयर्स में इंटरेस्टेड हो सकती हैं, तो उसका सारा डिटेल हम आज के नाइट शो में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि विच यू नो वॉट आर द स्क्वाड्स जो प्रेजेंट स्क्वाड्स हैं, एंड कौन कौन से प्लेयर्स किस स्क्वाड में मिसिंग है, आई मीन बॉलर्स मिसिंग है या बैटर्स मिसिंग है, ओवरसीज प्लेयर्स मिसिंग है, तो हम स्क्वाड बाय स्क्वाड एनालाइज करके टारगेट प्लेयर्स यू नो देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे हिसाब से इनको ये प्लेयर्स टारगेट करने चाहिए और हर प्लेयर की क्या कॉस्ट लगेगी वो भी हम यू नो थोड़ा डिस्कस करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, ताकि ऑक्शन टाइम के बाद हम ये देख सकें कि हमारी अजम्पशंस कितनी राइट थी। तो मेरे हिसाब से जो मेन प्लेयर्स होने वाले हैं दोज आर गोइंग टू बी ट्रैविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, तीनों ऑजीज हैं एंड तीनों बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देन यू हैव कॉट्जिए जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक ही इज गोइंग टू यू नो गो फॉर बिग बक्स। उसके बाद रचिन रविंद्रा हैं, मुझे लगता है आरसीबी को इनके लिए जाना चाहिए बिकॉज ये इनका पेरेंट्स का होम सिटी है, सो आई थिंक रचिन शुड गो फॉर आरसीबी शुड गो फॉर रचिन। शार्दुल ठाकुर है, हर्षल एंड शाहरुख है, सो फाइव अगर आप ले लीजिए ऑजीज एंड एक न्यूजीलैंड का प्लेयर मना के एंड एक साउथ अफ्रीकन, तो ओवरसीज में को फाइव लग रहे हैं जो यू नो दे आर गोइंग टू गो इन फॉर बिग बक्स। एंड इंडियन में हम देख सकते हैं कि शार्दुल इज इन द पूल, हर्षल इज इन द पूल एंड शाहरुख खान हैज बीन रिलीज्ड बाय पंजाब, तो ये भी मुझे लगता है कैन गो फॉर बिग बक्स। एंड मे भी मुझे खबरें आ रही है दैट सीएसके मे टारगेट शाहरुख खान, सो ये देखा जाएगा। कल आईपीएल का ऑक्शन है, वील बी लाइव विद यू, हम डिस्कस करेंगे एंड देखते हैं भाई कौन से प्लेयर्स कहां जा रहे हैं। एंड जो मुंबई इंडियंस का सागा चल रहा है हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा में, उसमें कुछ खबरें ऐसी आ रही है दैट यू नो काफी ज्यादा परसेंटेज में जो मुंबई इंडियंस के फैंस थे, जो एक्चुअली रोहित शर्मा के फैंस थे, दे आर यू नो अनफॉलोइंग ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ मुंबई इंडियंस, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुंबई इंडियंस कुछ फेक फॉलोअर्स बैलेंस आउट करने के लिए दिखा रहे हैं ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू ना गिरे, बिकॉज ब्रांड वैल्यू डिटर्मिन करने के लिए आपके जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस एंड फॉलोइंग बहुत बहुत मैटर करती है व्हेन यू नो अब द ब्रांड वैल्यू इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये काफ़ी ज़्यादा गिरने लग गई एंड एक जगह में मुंबई इंडियंस ने शायद ये डिसाइड किया कि अब हमें फेक फॉलोअर्स डालने चाहिए क्योंकि हम अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं घटाना चाहते हैं। तो कई लोगों ने स्नैपशॉट्स भी लिए हैं क्योंकि सारे फॉलोअर्स तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है, बट कई लोगों ने कुछ कुछ जो अवेलेबल है उसके स्नैपशॉट्स लिए हैं एंड दोज आर ऑब्वियसली फेक अकाउंट्स। तो ऐसा हो सकता है, आई फील ऐसा हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म चल रही है मुंबई इंडियंस की वो यू नो आई अज्यूम दैट फॉलोइंग तो इससे ज़्यादा ही गिरी होगी जितना वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज इट फॉर द IPL न्यूज एंड हम रात के शो में और IPL ऑक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, टारगेट प्लेयर्स देखेंगे। इसके अलावा कल हमारा मैच था जो हम बड़े आराम प्यार से जीत गए, अर्शदीप सिंह बहुत चर्चा में है, बहुत अप्रिसिएशन हो रही है, तो मुझे लगता है कि पिंक डे का कुछ कलर सा उतार दिया था उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम का, सो कलरलेस कर दिया उन्होंने एक पिंक डे टेस्ट मैच, पिंक डे ODI को उन्होंने कलरलेस ODI कर दिया फॉर द साउथ अफ्रीकन्स बिकॉज उन्होंने तबाही बर्बादी कर दी थी। सो कुछ 4 for 23 का उनका इनिशियल स्पेल था एंड देन ही केम बैक एंड टुक हिज 5th विकेट। ही हैज थैंक्ड KL राहुल फॉर गेटिंग हिम बैक एंड मोटिवेटिंग हिम टू टेक दैट 5th विकेट, सो वेल डन अर्शदीप, पर हम चाहेंगे कि आप आगे के भी मैचेस में इसी तरीके से परफॉर्मेंस दें। सो ये मैच थोड़ा हमें उस ईडन गार्डन्स के मैच की याद दिलाता है नॉट टू लॉन्ग अगो, अबाउट अ मंथ अगो, जब हमारे मेन बोलर्स बुमराह, शामी एंड सिराज थे एंड कुलदीप भी थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका को ईडन गार्डन्स में 83 ऑल आउट कर दिया था, तो कुछ ये मैच उस मैच की भी हमें याद दिला रहा था। इस टाइम इन्होंने 116 रन्स बनाए थे और वो यू नो हमने बहुत आराम से 16.04 ओवर्स में चेज कर लिए थे। सो इसके अलावा
और भी सारी जो न्यूज है रिगार्डिंग आईपीएल एंड अदर अदर कंट्रीज एंड अदर अदर मैचेस. कल ऑक्शन है, कल इंडिया का दूसरा मैच भी है. वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन आवर लाइव शो. सो अभी के लिए इतने ही अपडेट्स हैं. सो आई क्लोज दिस वीडियो नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं रिगार्डिंग द आईपीएल ऑक्शंस, मुंबई इंडियंस, इंडियाज मैच, ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड और द वुमेन्स मैच दैट हैपेंड इन द सुपर ओवर टुडे, तो आप नीचे कमेंट्स में वो लिख सकते हैं. And I read all comments, I reply to all of them as well. So thank you so much for watching. I'll see you in the evening in the live show. And please like the video, subscribe to the channel and leave your comments below. Thank you so much for watching and take care.